आज मैं आपके लिए मेट्रो से जुड़ी एक खबर लाया हूँ। खबर यह है कि अब से मेट्रो के एंट्री वाले गेट खुले रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं टेक्नो समीर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो समीर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो के एंट्री गेट खुले रहेंगे। होगा ये कि अगर आप कार्ड और टोकन टच करके एंट्री करते हैं तो आप निकल पाएंगे। अगर आप बिना कार्ड और टोकन टच करें एंट्री करते हैं या एग्ज़िट करते हैं तो AFC गेट तुरंत बंद हो जाएगा। इससे मेट्रो और यात्रियों दोनों के समय की बचत होगी और मेट्रो का नुकसान भी कम होगा। जहां 1 मिनट में 15 व्यक्ति पास होते थे, वहीं इससे 25 व्यक्ति 1 मिनट में पास हो पाएंगे। ये गेट अभी दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट और नोएडा सेक्टर 16 में लगाए गए हैं और आने वाले कॉरिडोर जैसे कि पिंक और मजेंटा, पिंक मंजिस पार्क से शिव विहार, मजेंडा, जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन में भी ओपन गेट लगाए जाएंगे। और अब यात्रियों को एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए दोबारा से गेट बंद होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मजेंडा लाइन जो कि बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट में है, इसमें बोटानिकल गार्डन से लेके कालका जी मंदिर तक की लाइन नवंबर और दिसंबर में चालू हो सकती है। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आने वाले 24 घंटे में जियो फोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ, तो देखते रहिए टेक्नो समीर चैनल।